इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज आपको ना सर हम अपने बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात बताएंगे कि हम ना बहुत बड़े वाले पतंगबाज थे। ऐसी ऊंची ऊंची पतंगे काटी है ना सर हमने कि क्या बताएं आपको। तो सर हम लपेटने में भी बहुत अच्छे। आप जो फेंकिएगा हम सब लपेट लेंगे। अरे आप कहिएगा ना कि कुल्फी हमारी बिटिया नहीं है और हम उसको लपेट लेंगे सर। पता चला हमको कि आप जो है चिरौली गए थे ना। तो पता करें सर कि हम कुल्फी के बाबा नहीं हैं। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुल्फी उस तेवर नाम के बंदे के साथ कितनी खुश है। वो तो क्या हुआ कि वो उसका बाप नहीं है, लेकिन कुल्फी उसे बाबा बोलती है और बाबा मानती भी है। सबूत तो लाए होंगे आप। कुल्फी का बाप झूठा मक्कार और धोखेबाज इंसान है। वो उस मक्कार के सामने तो तेवर साक्षात भगवान है। कहिए ना सर, अपने अंदाज में बोलिए ना सर। वो कैसे बोलते हैं आप? ओ तेवर, मेरा शक यकीन में बदल गया। ननू सच दा पता चल गया कि तू कुल्फी दा बाबा नहीं है। हाँ नहीं है। उस गवार को मैंने खुद फ्लाइट का टिकट निकाल कर दिया है। अब उसका फोन तो बंद आएगा ही ना। वो जब तक घर नहीं पहुंचती तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि चिरौली में सिकंदर को क्या पता चला और क्या नहीं। अगर सिकंदर को पता चल गया कुल्फी उसकी बेटी है ना मॉम, तो मुझे और अमायरा को अपनी जिंदगी से आउट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। वो नहीं रुकेगा। अभी गुड्डू से बात करने गया, मैं कैसे रोकूं? कैसे रोकूं उसे? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तू यही रुक, मैं कलेजे के आती हूं। रवि, जल्दबाजी में कुछ भी करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें पता भी है नीचे कौन सा बम फटने वाला था? अरे वो अनपढ़ गवार कुल्फी, उसके हाथ वो सच लिखा हुआ कागज लगा था। उसने उस कागज को प्रोजेक्टर में डाला था। वो तो थैंक गॉड एन वक्त में मैंने उसे निकाला। आज सारा सच तेवर और सिकंदर दोनों को पता चलता और फिर दोनों में लड़ाई नहीं होती, युद्ध होता। युद्ध समझे तू? ऐसा क्या लिखा था उस कागज पे? पता नहीं कुल्फी क्यूटी से इतना डरती क्यों है? मॉम सिकंदर तेवर को सब सच बता देगा। उसे सब बता देगा क्या मॉम? बस कीजिए ना सर। और कितना नीचे गिरिएगा? हमें क्या लगता है ना सर कि आपने ये झूठ इतनी बार बोल दिया है ना कि आपको ये झूठ सच लगने लगा है। सच और झूठ के इस जाम में हम सब फंस चुके हैं तेवर। अब लगता है शायद इसी को ही जिंदगी मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुल्फी हमारी बिटिया नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती मान रहे हैं कि हमारी बिटिया है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए सर, ये कुल्फी का प्यार है और हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी सी इज्जत कि आप इतना कुछ कह गए। समझे? एक बात को ना गांठ बांध के याद कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए कि दोबारा अगर आपने हमारी बिटिया को हमसे अलग करने की बात करी ना, तो भूल जाएंगे हम कि हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी सी इज्जत है। समझे? और कुल्फी को आपसे अलग होकर जो तकलीफ होगी उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। आप
रहा है इसमें। चित्र पढ़ने से पापा और सुकृति जी की लड़ाई हो जाएगी। मैं सच कैसे पता करूं? देखिए पहले ही आपके परिवार ने ना हमारी बेटी का बहुत फायदा उठा लिया है। अरे खेल लिए आप लोग हमारी बेटी की जिंदगी से। वो हमारी गुड़िया है ही ऐसी कि हंस के कोई उससे उसकी जिंदगी मांग ले तो वो लुटा देगी। इतनी भोली है ना सर कि उसकी सगी माँ ने उसके साथ सौतेले। आज तक तो आंखों में आंख डाल के झूठ बोलता रहा, अब सच बोलने से कतरा क्यों रहा है? बोल दे। तेरा लवली के बारे में सच जानता हूं। अमीरी जी की नानी जी ने कहा था तो इसमें लिखा है उसे पढ़ के बाबा और सिकंदर जी के बीच में बहुत जोर की लड़ाई हो जाएगी। तो फिर ना मैं इसे बाबा को पढ़ा सकती हूँ ना सिकंदर जी को। और अक्कड़ भैया या बक्कड़ भैया को दिखाया तो वो बाबा को बता ही देंगे। ये बड्डे बिना भरोसे के लायक ही नहीं होंगे। मम्मी जब भी कहती थी बाजा बाजा मैं नहीं मारूंगी, और जैसे ही मैं बाहर जाती थी खींच के जड़ी मार देती थी। मैं ये किसी बड्डे को नहीं पढ़ा सकती। अभी अभी तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई है, कोई मेरी वजह से फिर लड़ाई हो गई तो। लेकिन अगर किसी से पूछूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा इसमें क्या लिखा है। आपको कब कब पता चला इसके बारे में? गणपति के आखिरी दिन। मतलब पापा ने आपको सच बताई थी कि कुल्फी हमारी ही बेटी है? एक बात समझ में नहीं आई सर, जब आपको सच का पता चल गया था तो फिर आप चिरौली क्यों गए थे? अपने लव से क्यों नहीं पूछ लिया कि अपने अपनी धर्मपत्नी से क्यों नहीं पूछ लिया कि कुल्फी की मां कौन है? या फिर उसने आपसे नया झूठ बोल दिया? मेरी और तेवर की बेटी अमायरा है। तेवर को तो सच बता दोगे, पर अमायरा को बता पाओगे? तुम सच में अमायरा से ज्यादा कुल्फी से प्यार करते हो? सच मानिए सर, हमें अब भी यकीन नहीं होता कि हमने एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जिसने अपनी जनी बच्ची को किसी और को दे दिया। अपनी बेटी को उसने लड़का बना के रखा सर अपने घर में। नौकरों से बदतर व्यवहार किया उसके साथ सर। हमें लगता है ना कि अपनी जनी बच्ची के लिए एक बूंद ममता नहीं उसके दिल में। बस लवली ने ये सब इसलिए किया क्योंकि कुल्फी उसकी। कुल्फी उसकी क्या? कुल्फी उसकी क्या सर, बोलिए ना। लगता है अब आप डर रहे हैं सर, तभी तो यूं नजरें चुरा रहे हैं। बताइए ना सर, कुल्फी उसकी क्या? किरण दसा की कुल्फी लवली की कुछ नहीं, कि कुल्फी इसकी कुछ नहीं। क्या सोच रहे हैं सर? कुछ नहीं। तूने तो कहा था तू कुल्फी के बारे में बात नहीं करना चाहता था। है? बात को पलटती गलती हमारी है सर। हमें आपकी धर्मपत्नी के बारे में पूरा भला कहने से पहले सोचना चाहिए था। आप उनसे प्यार करते होंगे और सही भी है सर। इस बात को हमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है, क्योंकि हम भी सर उससे ऐसे ही प्यार किया करते थे। उसकी बात हो गया कि हमें सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता था सर। और अब भी लवली से प्यार करता है ना? मामा बहनों, मैं कुछ नहीं पता। कहते सी कि अखबार में हर चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन इस अखबार में तो इस कागज जैसा कुछ लिखा ही नहीं है। ऊपर से जो लिखा है इतना छोटा लिखा है, जैसे वड्डू के पढ़ने के लिए नहीं गिलहरी के पढ़ने के लिए हो।
सब एक जैसे लगते हैं। मैं किस तरह समझूं इसमें क्या लिखा है? हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे सर, लेकिन बस आप इतना याद रखिएगा कि हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं उससे कभी हमारा रिश्ता हुआ करता था। सवाल का जवाब दे, सोच क्या रहा है? याद कर रहे हैं, तब भी हमने प्यार नहीं किया था सर, उसने तो जबरदस्ती करवा लिया था। मतलब लवली चट्टा, हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत, सबसे फेमस, सबसे कमाल की लड़की। अकेले तो कहीं आती जाती ही नहीं थी, वो साथ चलती थी उसके दोस्तों की टोलियां। ऐसे लगता था जैसे कोई सुपरस्टार आया, आंखों में शैतानी और स्माइल में टशन, उसके तो नाम में ही लव है। हम सब जमीन पे चलते थे लेकिन वो हवा पे चलती थी। हम अपनी नाक को सिर्फ किताबों में घुसड़े रहते थे। मारी और उसकी दुनिया का तो कोई मेल ही नहीं था, और शायद इसीलिए हमने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जब देखा तो उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाए। अपनी मर्जी से उसने प्यार भी किया और अपनी मर्जी से ही छोड़ भी दिया। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। अमीर बाप की बेटी, गरीब का लड़का, माँ बाप ने उसकी शादी किसी और से करा दी। जानते हैं सर, जब अमीरों का दिल टूटता है ना तो वो अय्याशियां करते हैं, लेकिन जब एक गरीब का दिल टूटता है ना सर, तो उसके पास काम करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। हमने भी यही किया। कितने समय तक तो हम ये मान ही नहीं पाए कि उसने हमें छोड़ के अपनी मर्जी से आपको चुन लिया था। लवली, डस्टबिन में जाने वाली सारी चीजें काम नहीं आ सकती कुल्फी, तो फिर से एक कशा लेके बैठ गई। कशा नहीं अमीरी जी, मुझे लगता है इसमें कोई जरूरी बात लिखी है। क्यों राय फवा कर रही है कुल्फी? अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होता, जरूरी कुछ लिखा होता तो क्यूटी ऐसे फाड़ के क्यों फेंकती, अपने पास शक्ति संभाल के रखती। मैं अमीरी जी को की दसा कि इनकी नानी जी ने कागज क्यों फाड़ा? आप सही कह रही हैं अमीरी जी, लेकिन मैं भी पढ़ना चाह रही हूं इसमें क्या लिखा है। ओके फाइन, दिखा दिखा मुझे। तो ये जिसने भी लिखा है ना, उसकी राइटिंग बहुत गंदी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये है भी तो हिंदी में। पर अभी जी आपको सब पढ़ना आता है ना? आता है, पर ये अब अलग अलग हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पर अभी जी तू पढ़ना चाहती है तो खुद पढ़ना सीख ना। अगर तू खुद पढ़ना सीखेगी तो मुझसे इतने क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगी। बात तो सही है, अगर मैं पढ़ना सीख जाऊंगी तो मैनू ये किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा। थैंक यू मीरी जी, आपने तो मेरी परेशानी को ही चूर्ण चटा दिया। कटी पता, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी भी कब हुई समझ नहीं आया। शादी के कितने हफ्तों बाद तुमने बात करनी शुरू की होगी, बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारा हमारी जिंदगी में आई, फिर सब बदल गया। समझते हैं हम सर, हमारी बिटिया कुल्फी कदम पड़ते ही हमारे भूतों के डेरे में बाहर आ गई। समझते हैं हम सर, हमने कभी सोचा नहीं था सर कि हम जीवन में कभी इतने खुश भी हो पाएंगे। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बता, करता है अभी लवली से प्यार? हम दुनिया में सिर्फ एक लड़की से प्यार करते हैं सर, और जीवन भर ना उसी से करते रहेंगे। उल्फी वो हमारे लिए सब कुछ है सर, उसके अलावा हमें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। तू लवली को मुझसे छीनने आया था ना? आए तो हम यही सोच करते,
लेकिन तब हमें नहीं पता था सर कि उसकी और हमारी कोई औलाद भी है। हमने उसको आपके साथ देखा और हमारा को उसके साथ देखा। अपना प्यार पाना चाहते थे सर। हमने तो उसको यहां तक कह दिया कि हम उसे और हमारा को आपसे कहीं ज्यादा प्यार करेंगे। तनु की लगेगा कि तुम दोनों को ले जाएगा और मैं चुप बैठूंगा। हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था सर कि आप क्या करेंगे। मैं कैसे बताऊंगा कि हमारा उसकी बेटी है? ये मैं कैसे बताऊंगा उसको? आज अगर मैंने देवर को सच बता दिया कि कुल्फी उसकी नहीं किसी और की बेटी है। रब जी, ये कैसा खेल खेला आपने मेरे छोटे भाई के साथ। कुल्फी सिकंदर की बेटी है लेकिन देवर के घर है, और हमारा देवर की बेटी है पर सिकंदर के घर है। चिरौली तक पहुंचा के भी उस बेचारे को आपने सच से दूर रखा, ऐसा क्यों रब जी, क्यों? तो ये क्या कर रही है पुत्र? पे देख रही हूँ चिट्ठियों ने अपना बिल कहाँ बनाया है। मतलब काम में मेरे लिए यही खेल होता था। मैं बहुत देर तक चिट्ठी को चीनी के दाने उठाते देखती रहती थी। मैं तो पता ही नहीं चलता था मैं कब मेरे सर के पीछे आके हंस रही है। वैसे मैं भी आपके पीछे इतनी देर से खड़ी थी पर आपने तो दिखे नहीं। अच्छा मेरा बच्चा। अच्छा एक बात बता, तू ये इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही है? जवाब ढूंढ रही हूँ। कौन से सवालों का? सवालों का क्या, एक परेशानी है। मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ पर मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मैं पढ़ना सीखूं तो सीखो कैसे। हिन्नी सी बात, पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है। ऐते मैंने भी पता है लेकिन ये नहीं पता यहाँ स्कूल कहाँ है, वह जाते कैसे हैं, और अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो वो मुझे पढ़ाएंगे या नहीं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जो हमारी कुल्फी को दाखिला न दे, सबसे पहले देंगे। हाँ सर जी, फिर से मैं अभी जाके बाबा से बात करती हूँ। रब ने किसके आंसुओं की शाही बनाकर इसकी तकदीर लिखी है। इस बेचारे की खुशियों को किसी ना किसी की नजर लगी जाती है। देखिए सर, ये सारी बातें फिजूल रही है, इनका कोई मतलब है नहीं। हमने गणपति के दौरान ही ये तय कर लिया, लव हमारे लिए सिर्फ लवली जी, आपकी धर्मपत्नी। उसके अलावा हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है सर। जिस औरत के दिल में हमारी बिटिया के लिए प्यार नहीं है, उस औरत की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है सर। मैंने सोचा था तू झूठ बोल रहा है तो मैं सच, पर आज मैं तुझे सच बताने आया हूं देवर। किस तरह बताऊं कि जो प्यार तू कुल्फी से करता है उसकी हकदार अमायरा है। अमायरा तेरी बेटी है देवर, कुल्फी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।